नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य नाझा। स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी तरह आप भी बहुत सारा अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे पॉडकास्ट को सुनने में। और आपके मन में एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न भी उमड़ा होगा कि ये जो पॉडकास्ट है ये लोग कर कैसे रहे हैं, मैं कैसे करूँ, कैसे ये शुरुआत हो सकती है। और बड़े सारे ऐसे सवाल आपके मन में उमड़ रहे होंगे कि भैया पॉडकास्टिंग करते कैसे, फ़ायदा क्या होता है और कैसे लोगों तक पहुँचना है और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो ऐसे बड़े सारे जो आपके सवाल हैं उनका जवाब लेके आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम जरा शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये डिसाइड करना है कि कौन सी नीश का पॉडकास्ट होगा। आपका जो पॉडकास्ट है वो किसी भी चीज पर हो सकता है, स्पोर्ट्स के ऊपर हो सकता है, बिजनेस के ऊपर हो सकता है। आपका पॉडकास्ट इस बारे में भी हो सकता है कि भैया आज मौसम कैसा है या फिर दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है। आपका पॉडकास्ट किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। आपके मन में फिर एक सवाल आएगा कि आप ये पॉडकास्ट क्यों बना रहे हैं, कोई आपके पॉडकास्ट को क्यों सुनना चाहेगा, क्या इस कैटेगरी में या श्रेणी में जिसमें आप पॉडकास्ट बना रहे हैं उसमें आपको अच्छे से लिसनर या व्यूअर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बड़े सारे सवाल आपके मन में उभरते होंगे। तो ये सब कुछ सही से डिटरमाइन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अच्छे से रिसर्च करके अपने नीश को चुने और फिर चुने कि हाँ भैया ये श्रेणी बढ़िया लग रही है। और अगर जैसे मैं बनाता तो मैं किस चीज पर पॉडकास्ट बनाता, मैं इस चीज पर पॉडकास्ट बनाता कि कैसे खाली बैठे बैठे गिटार बजाना सीखे। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट वाली श्रेणी हो उसी में ही आप आगे और कंटेंट बना रहे हो। भैया चांस ये भी है कि अगर आप अचानक से एकदम 15 टॉपिक ऐसे नहीं सोच सकते जो कि आप अपनी चूज की गई नीश में बोल सके, जिसके बारे में पॉडकास्ट बना सके, तो आप लॉन्ग टर्म शायद से ये काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही आप लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड करके रखे, तभी आप किसी ऐसी नीश में पॉडकास्टिंग आराम से कर पाएंगे। अगली चीज है कि आप अपने पॉडकास्ट का फॉर्मेट चुने। अब यह ऐसा कहीं पे कोई लिखित में तो नियम कानून है नहीं कि पॉडकास्ट किसी एक ही तरीके का होना चाहिए, पर एक पॉडकास्ट में या एक शो के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना तो जनता के लिए आसान रहता है। उनको पता रहता है अच्छा भाई यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उससे उनको देखने में या सुनने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो एक पॉडकास्ट के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अब भाई बड़े सारे प्रकार के पॉडकास्ट फॉर्मेट होते हैं, कई सारे इंटरव्यू बेस्ड होते हैं जहाँ पे आप अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, कई सारे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में होते हैं जहां पे आप हर एक नए एपिसोड में कहानी नरेट करते हैं, या पे भैया एक सोलो पॉडकास्टिंग भी होती है जहां पे आप अकेले माइक्रोफोन में बात कर रहे होते हैं, या फिर एक कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट होता है जहां पे आपके साथ एक को होस्ट होता है और आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे हर एपिसोड पे। अब भैया एक क्विक टिप है आपके लिए, अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि पॉडकास्ट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो आप चूज कर सकते हैं मिक्सचर कुछ फॉर्मेट्स का शुरुआत में, और धीरे 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 समय के साथ आप चूज कर सकते हैं कि कैसा फॉर्मेट सही रहेगा। कुछ एपिसोड्स में आप अपने शो को अकेले होस्ट कर लीजिए, वहीं कुछ और में आप गेस्ट्स को बुला लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं हर एक एपिसोड में और अपना कुछ नए ही प्रकार का पॉडकास्ट फॉर्मेट बना सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो ये है कि अपना इक्विपमेंट रेडी रखिए। आपके पास एक बढ़िया आइडिया होना चाहिए कि आपका पॉडकास्ट कैसा होगा और आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है कि आप चूज करिए एक माइक्रोफोन को। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप आराम से अपने ईयरफोन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर अपने फोन के माइक्रोफोन से भी पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं माइक्रोफोन में तो आप माउनो का AU-AU04TR USB माइक्रोफोन या फिर ऑडियो टेक्निका का AT-R2100 USB माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। इस तरीके के माइक इस्तेमाल करने से आपके पॉडकास्ट की ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और श्रोताओं को एक ज्यादा क्वालिटी का शो सुनने में ज्यादा मजा आएगा। अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते वक्त आपको एकदम शांत सी जगह ढूंढनी चाहिए अपने घर के अंदर या फिर कोई साउंड प्रूफ सा स्पेस ढूंढना चाहिए जहां पे आप अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर सके, ताकि आपका माइक्रोफोन ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस को ना उठाए। अगर आप अकेले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप नॉर्मली अपने माइक या ईयरफोन या हेडफोन को अपने फोन या पीसी में लगा सकते हैं और ऑडेसिटी पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंकर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉल्बी ऑन या फिर क्विक टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बड़े सारे अन्य पॉडकास्टिंग के रिकॉर्डिंग एप्स भी आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आप एक गेस्ट के साथ या अलग अलग काफी सारे गेस्ट के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं जो सारे एक ही रूम में नहीं है, तो आप वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि जूम, स्काइप, गूगल मीट, ताकि आप एक दूसरे को सुन सके। पर आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका गेस्ट भी एक माइक या ईयरफोन या हेडफोन यूज कर रहा है और एकदम एक शांत जगह पे बैठा हुआ है, ताकि टोटल जो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया आए। पांचवी चीज है अपने पॉडकास्ट को एडिट करना। अब भाई आखिरकार आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कैसे और कहां पे अपने पॉडकास्ट को एडिट करेंगे। अब भाई सुनने में ये स्टेप जरूर मुश्किल लगेगा, पर एक्चुअली में आसान है। आप एंकर या ऑडेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने फोन या पीसी पे पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैक के ऊपर आप गैराज बैंड को ट्राई कर सकते हैं ताकि आपके पास ज्यादा फीचर्स आए। और अगर आप पॉडकास्टिंग में सीरियसली घुस रहे हैं तो भैया बढ़िया रहेगा कि आप अडोबी ऑडिशन पे अपना हाथ थोड़ा सा ट्राई करें। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जरूर है, पर सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में से एक है पॉडकास्ट एडिट करने के लिए। अब भाई अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आराम से आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करके काम चला लेंगे, और आपको एक इंट्रो आउट्रो म्यूजिक डालना होगा और रिकॉर्डिंग को बीच में घुसाना होगा। पर जैसे जैसे आप और टाइम लगाते हैं एडिटिंग में, तो आप उन टुकड़ों को हटा सकते हैं जिनको आप अपने फाइनल एपिसोड में नहीं डालना चाहते। और इसके अलावा आप टीजर्स या स्निपेट्स बना सकते हैं उन कैची पार्ट्स का आपके कॉन्वर्सेशन में से, जिसको सुन के आपकी ऑडियंस एकदम हुक हो जाए और अंत तक आपके पॉडकास्ट को सुनना चाहे। अब भाई इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने पॉडकास्ट को पब्लिश करना है। अब भाई जैसे हमारे ही गैजेट C60 का जो ऑर्बिटल करके पॉडकास्ट है, ये जाता है एप्पल पॉडकास्ट पे, गूगल पॉडकास्ट पे, अमेजोन म्यूजिक पे, जियो सावन पे, गाना पे और बड़े सारे अन्य प्लेटफॉर्म्स पे, और उससे एक बढ़िया रीच मेंटेन रहती है। और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सारे स्टेप्स में से कहीं पे भी कहीं कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। आप अपना पॉडकास्ट शुरू करोगे कि नहीं ये भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।